दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आहूजा के दो ड्राइवर यूनिट AU-40 और AU-60। आज हम करने वाले हैं इनकी अनबॉक्सिंग और करेंगे इनके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें और जानेंगे कि ये किस प्रकार काम करते हैं और कैसे इन्हें जलने से बार बार बचाया जाए और जलते क्यों हैं बार बार, ये रहेगा हमारा आज का मेन टॉपिक। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं DJ Tech। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए, ये है इसका बॉक्स जो जिसमें ड्राइवर यूनिट रखा हुआ आता है। ये है आहूजा का ब्रांड, ये उसका होलोग्राम यहाँ पे लगा हुआ है। पीए ड्राइवर यूनिट AU-60 60 वाट का ये यूनिट है जो कि 16 ओम के इम्पीडेंस पर चलता है। यहाँ पर आहूजा रेडियो की साइट दी हुई है और यहाँ पर IP66 और इसकी कुछ कोटिंग करी हुई है। चलिए देखते हैं इसके साइड में, इसके साइड में और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है। इनपुट पावर 60 वाट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है। 60 वाट का इसका RMS है, 90 वाट इसका जो है मैक्स पावर है, इम्पीडेंस 16 ओम है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है यहाँ पे दिया हुआ है STL81 kHz, शॉर्ट कपलिंग डिमिनेशन और इसका वेट ये 2 किलो और तो कुछ 50 ग्राम का आता ही है। ठीक, ये मेड इन इंडिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है। देखते हैं इसके दूसरी साइड में क्या है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से आहूजा के ब्रांडिंग और इसके लोगो वगैरह बने हुए हैं। तो इस साइड में भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इसके दो ही साइड में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ। देखते हैं इसके ऊपर की तरफ क्या है। ऊपर की तरफ इसकी प्राइस, यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है, नेट क्वान्टिटी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है AU-60 1260 रुपये। चलिए करते हैं हम इसके बॉक्स को ओपन। देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन ड्राइवर यूनिट है, निकालते हैं इसे बाहर। इसके साथ मुझे एक डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए, बॉक्स को रखते हैं साइड में, देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ में आता है, इसमें सारे जितने आहूजा के जो मॉडल है यूनिट के उनकी जानकारी दी हुई है। AU-35, AU-40 वाट, AU-60 वाट और AU-40। ये मॉडल अलग आता है, थोड़ा बड़ा हेवी आता है, डबल कोडेड आता है ये और बाहर वेदर प्रूफ रहता, ख़राब नहीं होता। तो ये इसका एक और मॉडल है 50 वाट में, ये 40 वाट का, ये 50 वाट का है। देखिए इसके बारे में पूरी इसमें डिटेल दी हुई है, साउंड कैसा चलेगा इसमें, किस तरह से इसकी सेटिंग करना है। देखिए पावर सेटअप कैसा है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसमें। वेट कितना है, इनपुट पावर कैसी है, इम्पीडेंस कितना रहेगा और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो डायफ्राम जो अंदर का रहता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसे रिप्लेस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाया हुआ है। ये देखिए, और यहाँ पर टिप्स फॉर ड्राइवर यूनिट प्रोटेक्शन दी हुई है कि किस तरह से इसे सेटअप करना है, बॉक्स स्टिकर वगैरह, ये अपने एम्पलीफायर की सेटिंग किस तरह से करना है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे यूनिट की तरफ। तो ये है हमारा यूनिट, मेन यूनिट, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ ड्राइवर यूनिट, जब प्लस का निशान दिया हुआ है L1 में, अगर L2 माइनस, ये इसका प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, या नीचे आहूजा की ब्रांडिंग है। और बैक साइड में यहाँ पे वही, इसके बैक साइड में यहाँ पे ड्राइवर यूनिट AU-60 पावर, इसका पावर लिखा हुआ है IP66, इम्पीडेंस 16 ओम, वही 60 वाट 90 वाट, बस कुछ नहीं। करते हैं इसके केप को ओपन। ये इसमें प्रोटेक्शन के लिए जाली लगी हुई है, एक इसका ये है, ये इसका 60 वाट का मॉडल है, ये मेरे पास एक और मॉडल है ये वाला, ये इसका 40 वाट का मॉडल है, दोनों सेम है, सिर्फ पावर का फर्क है, ये थोड़ा छोटा आता है, ये थोड़ा बड़ा आता है 60 वाट का, इसलिए बाकी जो इसमें जो डायफ्राम लगता है वो 60 वाट 40 वाट और 80 वाट में सेम रहता है, तीनों में एक ही डायफ्राम तीनों में बैठता है, सिर्फ इनका साइज छोटा बड़ा रहता है, बाकी और कोई फर्क नहीं है इनमें। तो दोस्तों, जैसा कि अब मैं बता रहा था आपको कि ये जलते क्यों, ये ड्राइवर यूनिट उड़ते क्यों हैं, उसका मेन रीज़न है कि अगर आप इसमें जो इसका एम्पलीफायर है जिस पर आप ये दोनों यूनिट को चला रहे हैं, अगर आप उनमें
अगर बेस को ज़्यादा ओपन करके रखेंगे तो ये आपका ड्राइवर यूनिट, इसकी जो कॉइल है वो आधी जल जाएगी और ख़राब हो जाएगी और ये उड़ जाएगी, मतलब आपको इसका डायफ्राम चेंज करना पड़ेगा। आप जिस एम्पलीफायर पे इन्हें यूनिट्स को कनेक्ट किया और इन्हें चला रहे हो, आपको उसका बेस का जो वॉल्यूम है, मेन मिक्सर से तो आप बेस खोल सकते हैं लेकिन जिस जो एम्पलीफायर इस पर आप चला रहे हैं इसको, उसका जो बेस का वॉल्यूम है उसे आप हमेशा डाउन मतलब जीरो पे करके रखना है आपको, एकदम माइनस जीरो, माइनस में पूरा माइनस करके रखेंगे तो आपका जो यूनिट है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा और कभी जलेगा नहीं, मतलब काफ़ी दिनों तक चलेगा। और आपको जो ट्रेबल का वॉल्यूम है आप सिर्फ वही बढ़ाए, अगर आप ये यूनिट एम्पलीफायर पर चला रहे हैं तो सिर्फ ट्रेबल का वॉल्यूम बढ़ाए, बेस का वॉल्यूम इसमें आपको नहीं बढ़ाना है। अगर आप बेस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये जल जाएंगे और फिर आपको 260 या 300 रुपये का इसका डायफ्राम आता है, वो लाके इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो इस गाइड में दिया हुआ आप किस तरह से रिप्लेस करना है देख लीजिए। सबसे पहले ये नट यहाँ से खोलना है बीच में से, फिर सामने के जो है मैं आपको इसमें बताता हूँ, सबसे पहले इसका ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये चार स्क्रू 1 2 3 4, और उसके बाद इसमें से डायफ्राम निकलेगा, नया डायफ्राम बिठा के आपको इसको सोल्डर करके वापस से इसको टाइट करके सारे नट स्क्रू जो है इसमें लगाना पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।